श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहि वस कीने जीव निकाया। गीता में भी प्रकृति जनित तीनों गुणों के द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने की बात कही गई है। अव्यक्ताक्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एवच यम गत्वा मुच्यते जंतुर्मृतत्वं च गच्छति। परंतु इस प्रकृति से भी इसके स्वामी महापुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक हैं, जिनको जानकर यह जीवात्मा प्रकृति के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप परमानंद को पा लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए इसके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करें। परमात्मा जब इस जीव पर दया करके माया के पर्दे को हटा देते हैं, तभी इसको उनकी प्राप्ति होती है। नहीं तो यह मूल जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वर को पहचान नहीं पाता। इन परब्रह्म परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में अपने आप सामने नहीं ठहरता। परमात्मा के दिव्य रूप को कोई भी मनुष्य प्राकृत चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान साधक निरंतर प्रेम पूर्वक मन से उनका चिंतन करता है, उसके हृदय में जब भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान प्रगाढ़ होता है, उस समय उस साधक का हृदय भगवान के ध्यान जनित स्वरूप में निश्चल हो जाता है। ऐसे निश्चल हृदय से ही वह साधक विशुद्ध बुद्धि रूप नेत्रों के द्वारा परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप की झांकी करता है। जो इन परमेश्वर को जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात परमानंद स्वरूप बन जाते हैं। योग धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा साधन बतलाते हैं। योगाभ्यास करते करते जब मन के सहित पांचों इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्मा के स्वरूप में इस प्रकार स्थित हो जाती है, जिससे उसको परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थिति को योगीगण परम गति योग की सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही भव प्राप्यो। इंद्रिय मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का ही नाम योग है, ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं। क्योंकि उस समय साधक विषय दर्शन रूप सब प्रकार के प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है, परंतु यह योग उदय और अस्त होने वाला है। अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को निरंतर योग मुक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। वह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मेंद्रियों से, चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों से और मन बुद्धि रूप अंतःकरण से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वह इन सबकी पहुंच से परे है। परंतु वह है अवश्य, और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले को वह अवश्य मिलता है। इस बात को जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता, अर्थात इस पर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है। अतः पूर्व मंत्रों में बतलाई हुई रीति के अनुसार इंद्रिय मन आदि सबको योगाभ्यास के द्वारा रोककर वह अवश्य है और साधक को मिलता है। ऐसे दृढ़तम निश्चय से निरंतर उसकी प्राप्ति के लिए परम उत्कंठा के साथ प्रयत्नशील रहना चाहिए। साधक को चाहिए कि पहले तो वह इस बात का दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधक को अवश्य मिलते हैं, फिर इसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करें और उसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्वक निरंतर उसका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करें। जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है कि वे अवश्य हैं और अपने हृदय में ही विराजमान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है, तो परमात्मा का वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। अब निष्काम भाव की महिमा बतलाते हैं। मनुष्य का हृदय
नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की अहलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण ना तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता, और ना काम विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब वह जो सदा से मरण धर्मा था अमर हो जाता है, और यही इस मनुष्य शरीर में ही उस परब्रह्म परमेश्वर का भलीभांति साक्षात अनुभव कर लेता है। संशय रहित दृढ़ निश्चय की महिमा बतलाते हैं। जब साधक के हृदय की अहंता ममता रूप समस्त अज्ञान ग्रंथियां भलीभांति कट जाती हैं, उसके सब प्रकार के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, और उपर्युक्त उपदेश के अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं, तब वह इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा का साक्षात्कार करके अमर हो जाता है। बस इतना ही वेदांत का सनातन उपदेश है। अब मरने के बाद होने वाली जीवात्मा की गति का वर्णन करते हैं। हृदय में 101 प्रधान नाड़ियां हैं जो वहां से सब ओर फैली हुई हैं। उनमें से एक नाड़ी जिसको सुषुम्ना कहते हैं हृदय से मस्तक की ओर गई है। भगवान के परम धाम में जाने का अधिकारी उस नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊंचे लोक में अर्थात भगवान के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप परमानंदमय परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, और दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना योनियों को प्राप्त होते हैं। सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुरूप अंगुष्ट मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं जो प्रमाद रहित होकर उनकी प्राप्ति के साधन में लगे रहें। उन मनुष्यों को चाहिए कि उन शरीरस्थ परमेश्वर को इस शरीर से और अपने आप से भी उसी तरह अलग और विलक्षण समझें। जैसे साधारण लोग मूंज से सींक को पृथक देखते हैं, अर्थात जिस प्रकार मूंज में रहने वाली सींक मूंज से विलक्षण और पृथक है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध अमृत है। यहाँ यह वाक्य की पुनरावृत्ति उपदेश की समाप्ति एवं सिद्धांत की निश्चितता को सूचित करती है। इस प्रकार यमराज के द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचन को श्रद्धापूर्वक सुनने के पश्चात नचकेता उनके द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या और योग की विधि को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त, सब प्रकार के विकारों से रहित एवं सर्वथा विशुद्ध होकर परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म विद्या को इस प्रकार नचकेता की भांति ठीक ठीक जान लेता है और श्रद्धा पूर्वक उसे धारण कर लेता है, वह भी नचकेता की भांति सब विकारों से रहित तथा जन्म मृत्यु से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तृतीय वल्ली समाप्तः, द्वितीय अध्याय समाप्तः, कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद समाप्तः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इसका अर्थ इस उपनिषद के आरंभ में दिया जा चुका है।